ये चार्ट जो आप देख रहे हो, ये है इंडिया के पिछले 60 सालों का इन्फ्लेशन डेटा। आप देख सकते हो कि कैसे इंडिया में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। पर क्या आपकी इनकम बढ़ रही है? नहीं ना। अगर बढ़ भी रही हो तो कितनी? अगर आप इसे इन्फ्लेशन रेट से कंपेयर करो तो इंडिया में लगभग हर साल 1 से 1.5% के बीच महंगाई बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रोडक्ट हमें 1970 में 100 रुपए का मिलता था, उसकी प्राइस आज के डेट में लगभग 8,500 के करीब हो चुकी है। देखो, इनकम तो बढ़ रही है, पर जिस तेजी से महंगाई बढ़े जा रही है उससे तो ये बहुत कम है। फिर ऐसे कंडीशन में आप अपने पैसों को कैसे सेव या फिर इन्वेस्ट करके उसे डबल कर सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही इन्वेस्टमेंट टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत फायदा होगा और आपके पैसे भी सेफ रहेंगे। तो टिप्स बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से समझ आएगी। सो देखो, देयर आर टू थिंग्स, वन इज एसेट एंड सेकेंड वन इज लाइबिलिटी। अब आप कहोगे, हम तो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हमें पता है एसेट और लाइबिलिटीज क्या है। देखो, मुझे पता है कि आपको मालूम है ये क्या है, आप अपने जगह पर एकदम सही हो। पर अब इसे थोड़ा अलग कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखो। एक फेमस ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी बुक आपने पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। वो कहते हैं कि एसेट वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसा लेकर आती है, और लाइबिलिटी वो चीज है जो आपके जेब से पैसा लेकर जाती है। एनी थिंग विच ब्रिंग्स मनी इन योर पॉकेट इज एन एसेट, एंड अ थिंग विच टेक्स मनी आउट फ्रॉम योर पॉकेट इज एन लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आईफोन खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? ताकि हमारी सोसाइटी ऐसी है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कितना अमीर है? लोग हमारे कपड़े, फोन, घर, गाड़ी को देखकर ही हमारा स्टेटस पहचानते हैं। ये पूरी सोसाइटी ऐसा ही काम करती है। इंडिया में ना, लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने पर फोकस करते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि आप अमीर दिखोगे नहीं, जरूर दिखोगे, पर सही टाइम आने पर। अगर वो खरीदा हुए आईफोन से आप वीडियोस बना रहे हो, इंटरनेट पर डाल रहे हो, तो वो आपके लिए एक एसेट है। पर अगर आप आईफोन सिर्फ स्टेटस और शो ऑफ के लिए ले रहे हो, तो वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है। देखो, कहने का मतलब यही है कि जब भी आप किसी चीज पर पैसा लगा रहे हो, तो पहले चेक करना कि वो चीज आपको कुछ फायदा करके देने वाली है या नहीं। अगर नहीं देने वाली, तो उस पर कभी बिल्कुल इन्वेस्ट ही मत करना। इससे आपके पैसे भी सेफ रहेंगे। तो हमारी फर्स्ट टिप है स्टॉक्स ऑफ बिजनेस। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग कंपनियों के शेयर्स बाय करो जिसमें रिस्क भी कम हो। देखो, जो समझदार लोग होते हैं वो लोग हाईली सक्सेसफुल बिजनेस के थोड़े थोड़े पार्ट्स खरीद के रखते हैं, स्टॉक्स खरीद के रखते हैं। अगर एक एग्जाम्पल से समझो, तो अगर किसी समझदार व्यक्ति ने 1980 में एप्पल में इन्वेस्ट किए होते बस $220 के स्टॉक्स खरीदे होते, तो आज उनकी कीमत $1,80,000 से भी ज्यादा होती। ऐसे ही अगर आप भी सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपको बहुत फायदा करके दे सकते हैं। सेकंड है म्यूचुअल फंड्स। इंडिया में ज्यादातर लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज बहुत रिस्की होती है, जो कि सही भी है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में सही नॉलेज नहीं है, तो ये जानना बहुत मुश्किल होता है कि हमें कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और इसी रीजन के वजह से लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, और तभी एंट्री होती है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड का आप यूज करके स्टॉक्स के रिस्क को कम कर सकते हो। मतलब किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा है अलग अलग कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफे का एक फेमस क्वोट है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड्स का। हालांकि इसमें रिटर्न्स आपको थोड़े कम मिलेंगे, बट इससे रिस्क के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। थर्ड टिप है FD। ज्यादातर लोग कहते हैं कि जब भी आपके पास बहुत पैसे हो, तो आप उसे FD करा लो।
क्योंकि वो एक बेस्ट ऑप्शन होता है। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि एफडी में इन्वेस्ट करना एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एफडी एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आपके पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर है। पर तभी भी ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एफडी में रिटर्न्स बहुत ही कम होते हैं, लगभग 5-6%। अगर आप इसे इन्फ्लेशन से कंपेयर करें तो साल में इंडिया का इन्फ्लेशन 6% के आसपास होता है। टेक्निकली देखा जाए तो आपके पैसे ग्रो नहीं हो रहे हैं, वो उतने के उतने ही है, इसलिए ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, पर आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। फोर्थ टिप है US स्टॉक्स। बहुत लोगों का मन करता है कि वो भी फैंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। बेसिकली फैंग एक ग्रुप है 5 कंपनियों का, जिसमें फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसी कंपनीज मौजूद है। ये जो कंपनीज है ये मोस्ट पॉपुलर और हाई प्रॉफिटेबल कंपनीज है, जो कि आगे जाकर बहुत ही ह्यूज फायदा करके दे सकती है। पर प्रॉब्लम यही होता है कि इनमें इन्वेस्ट कैसे करें। देखो, आजकल तो बहुत से ब्रोकर है आपको US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि INDMoney, Angel One, Grow। आपको जो सही लग रहा है आप उसे चेक कर सकते हो। हमारा फिफ्थ ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी। एंड में मैं सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम, ये सब चीजों में आजकल बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत से लोग रातों रात इससे मिलियनर भी बन चुके हैं। पर देखो, इसमें जितना ज्यादा हाई रिटर्न्स आपको मिल रहा है उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। ये मार्केट ना बहुत ही फ्लक्चुएटेड है, आपको बहुत ही सोच समझ कर इसमें इन्वेस्ट करना होगा। आप इसके बारे में और थोड़ी रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने थोड़े बहुत पैसे इसमें लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।